बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 7 ले रहे हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 है जमात 2 और सब्जेक्ट हमारा क्या है? उर्दू, ठीक है बेटा। आज डेट है 11 जून 2021 और दिन है मंगल। जी बेटा, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने सबक नाल अपना शुरू किया हुआ है, ठीक है। नाल के क्या मायने है ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब यकीनन सब बच्चों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि नाल किसे कहते हैं। नाल ऐसी गजलों को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान होती है। हम उस गजल को कहते हैं जिसमें
ठीक है, हम का नाम ऐसे लिखते हैं, के मी हम का नाम अलिफ मी हम कलाम, ठीक है। सहारे का मतलब बताया था, आसरा जहां, उसूल का मायने क्या बताया था, तरीके, याद हो गया कि यकीनन। हिदायत का मायने मैंने आपको बताया था, रास्ता दिखाना, ठीक है। रास्ता तो आपको पता नहीं क्या होता है रास्ता, ठीक है बेटा। उसके बाद अर्श, अर्श का मायने था आसमानों से ऊपर वो जगह जहां अल्लाह ताला का ताख्त है, ठीक है। इस जगह को कहा जाता है अर्श, वो जगह जहां पे आसमानों से ऊपर वो जगह जहां अल्लाह ताला का ताख्त है। उसके बाद अगला लफ्ज क्या है, हम कलाम। हम कलाम का मायने है आपस में बात करना। हम कलाम का क्या मायने है, आपस में बात करना, ठीक है। यह जी बेटा सबने बुक्स निकाल ली है जी। पहले हमने उन्वान क्या लिखा था, इमला। अब हम उन्वान क्या लिखेंगे, खाली जगह, क्योंकि हम लोगों ने खाली जगह वाला क्वेश्चन हल करना है जो कि सफा नंबर 11 पे है। सब बच्चे 11 सफा नंबर 11 किताब पे अपना सफा नंबर 11 खोल लें, ठीक है। उन्वान क्या लिखना है, खाली जगह, ठीक है बेटा। उसके बाद जो अल्फाज दिए गए हैं बुक में, हम लोग, मैं पहले वो अल्फाज तो लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उसमें खाली जगह पूर्ण करना बताऊंगी, कैसे खाली जगह पूर्ण करते हैं, ठीक है। पहला लफ्ज इसमें दिया गया है दुरूद। पहला लफ्ज क्या दिया गया है हमें बुक में, दुरूद, ठीक है। पहला लफ्ज है दुरूद। उसके बाद अगला लफ्ज हमारे पास जाम। अगला लफ्ज हमारे पास क्या है, जाम। जी बेटा बेटा। इस तरह से अल्फाज पहले लिखे नहीं है, आपने ये जस्ट किताब पे ये काम करना है, ठीक है। आप लोग अपनी किताब पे ये काम करोगे, जस्ट आप लोगों ने खाली जगह
डैश से है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, क्या आना है इन चार अल्फाज में से? आप लोगों ने नजर पढ़ ली है, क्या था उसमें? हमें अपनी डैश से है प्यारे नबी, हमें अपनी जान से है प्यारे नबी। वेरी गुड, क्या लिखेंगे हम लोग? जान, ये वाला सेकंड वर्ड इसमें आएगा। हमें अपनी जान से है प्यारे नबी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है हिदायत का डैश दिखाया उन्होंने। अगला क्या है? अगला जुमला है हमारे पास जो कि हमें फिल करना है। क्या लिखना है? हिदायत का डैश दिखाया उन्होंने। जी क्या आएगा डैश में? हिदायत का डैश डैश दिखाया उन्होंने। जी बिल्कुल, हिदायत का रास्ता दिखाया उन्होंने। क्या लिखेंगे हम लोग? रास्ता, हिदायत का रास्ता दिखाया उन्होंने। अगला जुमला है हमारे पास, हमारे लिए लाए डैश की किताब। हमारे लिए लाए डैश की किताब। जी इसमें क्या आएगा? हमारे लिए लाए किसकी किताब? रब की। नंबर थ्री में क्या आ जाएगा? रब की। ओके, हमारे तीन जुमले मुकम्मल हुए। अगला जुमला क्या दिया गया है? हजारों डैश उनपे लाखों सलाम। हजारों डैश उनपे बेटा भूल लिखा है मैंने, ये वाला सिरा मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला सिरा बड़ा होता है, ये थोड़ा सा उससे छोटा होता है। हजारों डैश उनपे लाखों लाखों सलाम। जल्दी से मुझे बताएं कि इसमें क्या आएगा? हजारों डैश उनके लाखों सलाम। कौन सा लफ्ज रह गया? एक ही लफ्ज रह गया, अब तो सबको पता चल गया होगा कौन सा लफ्ज है। हजारों दुरूद उनके लाखों सलाम। जी इधर क्या लिखेंगे हम लोग? हजारों दुरूद, हजारों
ठीक है, जो कि हमने खाली जगह वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया। आप लोगों ने अपनी किताब पे लिखना है और आपने अपनी पेंसिल से ये क्लास मुकम्मल करनी है ये जुमले, ठीक है। जी बेटा आगे हमारे ये हमने खाली जगह मुकम्मल कर ली है, खाली जगह वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे सवाल जवाब दिए गए, दिए हुए सवालों के जवाब लिखे, ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज हमने क्या किया है, हमने इमला की दोहराई की है, अल्फाज मायनी दोबारा से याद किए हैं, ठीक है, और हमने क्या किया है, खाली जगह मुकम्मल की है, ठीक है। कल हमने सवाल जवाब करने थे, आज मैं आप लोगों को सवाल बता देती हूँ कि सवाल क्या है, किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया। कि मैं कल आपसे पूछूंगी कि आप नजम में से ढूंढ के इसके क्वेश्चन आप इधर राइट करोगे, इस पर स्पेस बनी हुई है, लाइन्स लगी हुई है, ये आप लोग पेंसिल से पहले खुद राइट करोगे और किसी बड़े को भी चेक करवाओगे, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इस सवाल में क्या लिखा है, ये मैं कल आप लोगों को नीट नोटबुक पे सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। हम इसी तरह से अपना नोटबुक मैनेज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। पहला सवाल क्या था, किस हस्ती को दिलों का सहारा क्या कहा गया, जी किस हस्ती को कहा गया, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अगला सवाल दिया गया था, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन सी किताब लाए, ये तो सब बच्चों को पता होगा कौन सी किताब लेके आए हमारे प्यारे नबी हमारे लिए, कुरान पाक, बिल्कुल, कौन सी किताब लेकर आए, कुरान पाक। उसके बाद अगला सवाल है, इस नज़्म को नात क्यों कहा गया। बेटा ये मैंने आप लोगों को बताया था कि नात किसे कहते हैं, ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह, जिसमें प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, ठीक है। किसे कहते हैं नात, ऐसी नज़्म को जिसमें प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान, ठीक है। तो क्या आएगा इस सवाल का जवाब, उस नज़्म को, इस नज़्म को नात क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है। कल हमने क्या करना है, कल हम सवाल जवाब याद करेंगे, जो कि आप लोगों को अब तो याद हो जाने चाहिए, ठीक है। जबानी मैंने आपको इनके जवाब बता दिए हैं, कल मैं नीट नोट पर लिखवाऊंगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इनको जैसे ही आप मैं ये कर